सब्सक्राइब कीजिए आओ घर सजाएं चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, ये बिल्कुल फ्री। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए ये कम्बल से कुछ नया चीज़ लेकर आई हूँ। देखिए, मैंने इस तरह का एक कम्बल लिया हुआ है। अगर आपके पास इस तरह का कम्बल ना हो तो हमारे पास जो सर्दियों की लोई होती है, आप उसमें उसका भी यूज़ कर सकती हैं। मेरे पास ये कम्बल था, बहुत पुराना है, ये फट भी चुका है, देखिए, तो मैंने इसका ही यूज़ किया हुआ है। और मैं इसका आपको एक डोरमेट बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको गोल में बनाना तो आप गोल में बनाइए, अगर आपको चौकोर में बनाना तो चौकोर में बनाइए। तो चलिए, हम किस तरह से इसमें क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ती है मैं आपको बता दूँ। देखिए, मेरे पास ये कुछ कपड़े हैं जो सूट और ब्लाउज़ के बचे हुए टुकड़े हैं मेरे पास। ये मैंने ब्लाउज़ बना लिया है, उसके बाद में जो मेरे पास ये छोटे छोटे पीस बचे हुए हैं ये हैं मेरे पास, मैं इनका भी यूज़ करूँगी इसमें। और आप इस तरह से दो शेप की पत्तियां कट कर लीजिए, आपको जैसा भी शेप देना उसके हिसाब से। मैंने ये दो शेप की पत्तियां कट की हुई हैं, एक बड़ी और एक छोटी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये कम्बल को गोल राउंड में कट कर लिया है। और इसके कवर के लिए आप कोई भी नीचे मोटा कपड़ा या बोरी आप कुछ भी लगा सकते हैं, जिससे आप इसका नीचे का हिस्सा कवर कर सकें। फ्रेंड्स, बड़ी वाली पत्ती को मैं यहाँ इस पीले वाले कपड़े से कट करूँगी। मैंने इस तरह से इसमें निशान लगा ली, मेरी बड़ी पत्ती का निशान है, और छोटी वाली को हम रेड कलर में कट करेंगे। तो आप इस तरह से इसमें निशान लगा के कट कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे येलो की आर्ट और रेड की आर्ट, दोनों कलर की पत्तियाँ मैंने आठ आठ कट कर ली हैं। और ये मैंने एक पेज के लिए ग्रीन कलर का कट किया, और मैं इसका मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। ग्रीन कलर का जो मैंने ये एक गोल राउंड शेप कट किया है वो मेरा 3 इंच का है, और येलो की मेरी पत्तियाँ यहाँ पे 4.5 इंच की हैं, और इसकी चौड़ाई 2 की है, और रेड की मेरे पास 3 इंच की है लंबाई, और ये चौड़ाई इसकी 1.5 इंच की है। फ्रेंड्स, मैं इसका भी आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। ये मैंने 14 इंच का लिया हुआ है, और बीच का सर्कल मेरे पास ये 3 इंच का है, और 3 इंच का हम बीच का कपड़ा कट करेंगे। ये मेरे बीचा बीच का एकदम मैंने लगाया हुआ है, आप किसी ढक्कन से या कटोरी की हेल्प से इसको बना सकते हैं बीच वाला निशान। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे येलो कलर की पत्ती के ऊपर मैंने यहाँ पे रेड कलर इस तरह से यहाँ पे सिलाई कर दिया है, मशीन से किया हुआ है, आप हाथ से भी कर सकते हैं। सारी पत्तियों को इसी तरह से कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको चारों तरफ से पाइपिंग कर लिया है, और सारी पत्तियों को हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे इस तरीके से। यहाँ से आप मशीन से भी इसको सिलाई कर सकते हैं, और आप हाथ से भी इसको टच कर सकते हैं। इस तरीके से हमारी जितनी भी पत्तियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं, इसको हम यहाँ पे इस तरह से मशीन से या हाथ से हम पूरा इस तरह से इसको राउंड शेप में पूरा यहाँ पे लगा देंगे। जो बीच का हिस्सा हमने जो है ग्रीन कलर का कट किया हुआ था, सारी पत्तियाँ लगाने के बाद हम बीच में लास्ट में इसको हम ऊपर से अटैच कर देंगे। तो फ्रेंड, हम इतना कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा डोरमेट बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है, और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, और बनाने भी बहुत ईजी है, इसको बिगनर भी बना सकते हैं। और फ्रेंड, अगर आपके पास कम्बल नहीं भी है तो आप बच्चों के जो स्कूल के कोट होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, आप इसमें उसका भी यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और कमेंट भी करें अगर नहीं समझ में आया हो। अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। सो फ्रेंड, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय।